हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग अपने डेली डोज के सेशन में देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने सार कंट्रीज देखी थी, आज हम लोग एशियान देखेंगे। देखिए संगठन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो भी आपके बने हुए हैं, तो आज हम लोग आसियान को देखेंगे। आसियान का पहले फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग, आसियान का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है ये, इसका फुल फॉर्म हिंदी में है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे यानी कब स्थापना हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद ये जब स्थापना हुई थी किसके माध्यम से हुई थी, तो ये आसियान डिक्लेरेशन और इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, इसके माध्यम से इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये आपको स्थापना याद रखना है कि कब हुई थी, 8 अगस्त 1947। हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में। जकार्ता आप जानते हैं कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड हैं, द्वीप हैं। तो जो जकार्ता है वो कहाँ पे है, जावा आइसलैंड में स्थित एक शहर है इंडोनेशिया का। जकार्ता कहाँ है, जावा आइसलैंड पे स्थित शहर है, जो कि आसियान का क्या है, हेडक्वार्टर है, आसियान का हेडक्वार्टर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आसियान कंट्रीज के बारे में, इनके मेंबर्स के बारे में, कौन कौन से इनके मेंबर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए आसियान कंट्रीज के प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं। तो प्रेजेंट में आई थिंक, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर यही रहेगा। देखिए प्रेजेंट में 10 मेंबर्स हैं इसके, प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं प्रेजेंटली जो आसियान के हैं। देखिए कौन कौन से हैं, वो है म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। कौन सा, तो ये 10 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक भी हम लोग जान लेते हैं। ट्रिक है आपका टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, ऑफ एमबीबीएस। इससे पहले भी एमबीबीएस से रिलेटेड एक ट्रिक बताई थी हमने आपको, और आज भी बता रहे हैं कि एमबीबीएस से रिलेटेड ट्रिक। देखिए टी से क्या हो जाएगा, टी से देखिए कौन सी कंट्री हो जाएगी, टी से आपकी कंट्री हो जाएगी थाईलैंड। कौन सी कंट्री हो जाएगी, थाईलैंड हो जाएगी। बी से आपकी कंट्री हो जाएगी वियतनाम, बी से कंट्री हो जाएगी वियतनाम। क्लिप में सी से कंट्री हो जाएगी आपकी कंबोडिया, सी से कंबोडिया हो जाएगी। एल से आपकी हो जाएगी लाओस, एल से आपकी कौन सी कंट्री, लाओस हो जाएगी। आई से आपकी कंट्री हो जाएगी इंडोनेशिया, यहीं पे इसका मुख्यालय भी है। पी से आपकी कंट्री हो जाएगी फिलीपीन, कौन सी हो जाएगी, फिलीपीन हो जाएगी आपकी पी से कंट्री। और उसके बाद ऑफ को आपको नहीं ध्यान रखना है, ऑफ को आपको कट करना है। एमबीबीएस में ध्यान रखना है, एमबीबीएस में मैंने आपको बताया था एम से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मैम जो भी है आपका, एम से कौन सा, मलेशिया हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। और बी से हो जाएगा आपका क्या, बी से आपका ब्रुनेई हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, ब्रुनेई। और इस वाली बी से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, म्यांमार को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्मा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्मा भी हम लोग म्यांमार को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्मा। तो इस बी से क्या हो जाएगा, बर्मा यानी म्यांमार हो जाएगा। और इस एस से क्या हो जाएगा, तो एक कंट्री बची हुई है सिंगापुर, सिंगापुर हो जाएगी इसकी एक एस से। तो कितने मेंबर्स हैं इसके, 10 मेंबर्स हैं, ये 10 आपको इससे याद हो गया होगा। ट्रिक थी टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। सार कंट्रीज को याद करने के लिए मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, तो ये आज था, और इसमें आपको बताना है सबसे इम्पोर्टेंट, इंडोनेशिया की राजधानी बतानी है आपको, और वो किस द्वीप पर है, और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये आज आपका वीडियो कैसा लगा डेली रोज का, आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कीजिएगा, और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।